अगर आप भी अपने यूज़र्स को कुछ कस्टम मेल्स भेजना चाहते हैं किसी नोटिफिकेशन के लिए या किसी अपडेट के लिए, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मुझे इस टाइप के नोटिफिकेशन मुझे मिले हैं वन सिग्नल की तरफ से, और आपको भी फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन हर एप्लीकेशन की तरफ से ये टाइप के नोटिफिकेशंस या मेल प्रमोशनल मेल्स आप बोल सकते हैं मिलते ही रहते होंगे, तो आप उस तरह के मेल्स भी भेज सकते हैं अपने कोडलर एप्लीकेशन से जो कोडलर पे बिल्ड हुआ हो, या किसी भी ड्रैग एंड ड्रॉप प्लेटफॉर्म पे जो बिल्ड होता है एप्लीकेशन उससे आप भेज सकते हैं। यहाँ पे मैंने डेमो के लिए ऑलरेडी 3 OTP जो है या आप कर लीजिए भेजा है मैंने। यहाँ पे मैंने जो है टेम्पलेट्स कुछ यूज़ करे हैं, अमेज़ॉन इसी तरह से अपनी OTP भेजता है, आप देख पाएंगे ये मैंने अपनी मेल ID से भेजा है अपनी पर्सनल मेल ID को, तो इसी तरह से आप भी भेज सकते हैं, अमेज़ॉन के हो गए या पेटीएम का हो गया आप इस तरह से भेज सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ़ोनपे का भी और टेम्पलेट यूज़ किया है, और आप जो है इसे भी कस्टमाइज़ करके इसी तरह से कस्टम OTPs या कस्टम प्रमोशनल मेल्स आप भेज सकते हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं इसमें, मैं वो आपको लास्ट में बताऊँगा, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आप किस तरह से इसे भेज पाएंगे। यहाँ पे जो है मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, ज़्यादा कोई भी कोड लंबी कोड्स नहीं हैं, आप देखेंगे तो ये बस कोड्स हैं इतना ही है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ कोड्स 88 है जिसके थ्रू मैंने जो है सेंड किया है। यहाँ पे आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह से आप सेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ टेस्ट जो है कोड्स करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक बार फिर यहाँ पे सिंक करके रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये मेरा मैं यहाँ पे इसे पिन कर लेता हूँ एक बार, ये रिफ्रेश हो चुका है, फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और ये रिफ्रेश हो चुका है। यहाँ पे जो 3 मेरे जो है मैंने टेस्ट मेल्स भेजे थे उसे मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। ये मेरा जो है सेंडिंग मेलर ID है और ये मेरा जो है रिसीवर मेल ID है। अब यहाँ से पहले अमेज़ॉन का जो टेम्पलेट है वो भेजते हैं, यहाँ पे सेंडिंग OTP अमेज़ॉन के थ्रू, ये हमारे पास देखिए OTP आ चुका है, OTP यहाँ पे देखिए 149 यहाँ पे है OTP 149529, वेरीफाई करके देखते हैं, OTP वेरीफाई हो चुकी है। तो इस तरह से आप अमेज़ॉन का भेज सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बार पेटीएम का भी भेज के देखता हूँ, यहाँ पे मुझे जो है पेटीएम का रिसीव हो चुका है OTP। अब देखते हैं यहाँ पे OTP है 864937, आप देख पा रहे हैं कि ये कितना फास्ट है, कितनी जल्दी जो है मेल चली जाती है। OTP फिर से वेरीफाई हो गया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं। अब मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ से मैं फ़ोन पे का OTP सेंड करता हूँ, फ़ोन पे टेम्पलेट का ये OTP सेंड हो गया है, और OTP मैं यहाँ पे एक रेंडम दे देता हूँ ताकि आप जो है देख पाएँ कि ये बिल्कुल सही तरीके से काम करता है। देखेंगे OTP इनवैलिड बता रहा है, मैं करेक्ट OTP यहाँ पे डाल लेता हूँ। स्क्रीन पे देखिएगा आप कि 505872 ये हमारा OTP है, इसे वेरीफाई करते हैं और ये वेरीफाई हो चुका है। तो अगर आप भी इस टाइप की नोटिफिकेशन मेल्स भेजना चाहते हैं, OTP भेजना चाहते हैं अपने कस्टमर अपने यूज़र्स को एप्लीकेशन के थ्रू, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट तरीके से देखिए, और अगर आपको कोड समझ में नहीं आता तो आप कोड बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पहले बात कर लेते हैं रेस्ट्रिक्शंस की, क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं इसमें। तो आपको एक मेल ID चाहिए होगी जहाँ से ये सारे मेल्स जा सकें, जो जीमेल का मेल ID होना चाहिए। यहाँ पे जीमेल का मैंने प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, तो जीमेल की मेल ID से मैं अपने रिसीवर्स की मेल ID पे मेल सेंड कर सकता हूँ जी। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस ये है कि आपको 100 मेल्स पर डे के मिलते हैं, आप एक नॉर्मल यूज़र हैं जीमेल के, तो 100 यूज़र्स आपको 100 मेल्स आप सेंड कर सकते हैं पर डे। आई गेस आप जो है ये मोर देन सफिशियंट होता है किसी नए एप्लीकेशन के लिए जहाँ पे नए यूज़र बेस बन रहे हैं, और यहाँ पे कोई ऐसा भी नहीं है कि 100 के बाद आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आप बिल्कुल 2-3 ईमेल IDs का यूज़ कर सकते हैं और आपको उसके 2-3 से 200-300 मेल्स पर डे आप भेज सकते हैं। 200-300 अगर आपके पास नए यूज़र्स आते हैं तो आप वहाँ पे यूज़ उसका भी कर सकते हैं डिफरेंट मेल IDs का। हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि कोड क्या यूज़ हुआ है, तो ये कोड्स हैं और ये जो है टेम्पलेट है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे टेम्पलेट है अमेज़ॉन का, पेटीएम का, फ़ोनपे का। अब मैं ये पूरी कोड्स तो आपको बता नहीं सकता और आप ये समझ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको कोई भी एक मेल आती है, मान के चलिए कि ये पेटीएम ने भेजा है या किसी दूसरी कंपनी ने भेजा है, तो हम इसमें कुछ भी नहीं करते हैं, हम यहाँ पे एक नॉर्मल जो हमें भेजा गया मेल उसे ओपन कर लेते हैं। अगर आपको HTML कोड लिखने आता है तो वेल एंड गुड है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, एल्स आप जो है मेरे भी कोड्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बस सिर्फ आपको कुछ चेंजमेंट्स करने होंगे।
यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जाना है आपको जिस पे भी जो भी आपको सही लगे टेम्पलेट किसी कंपनी का जो आपको भेजती है आपको मेल्स इस टाइप के, तो उस पे उस मेल को ओपन करना है। यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करना है। इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन को क्लिक करना है सेलेक्टिंग वाले को, और यहाँ पे इस डायरेक्ट बॉक्स पे ग्रीन वाली जो वाली लाइन, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ये सारे कोड्स आ जाएंगे कि यहाँ पे आपने इस चीज़ को सेलेक्ट करा है। यहाँ जब डिव वाली स्टार्टिंग वाली है आपको कुछ भी नहीं करना है, इसे यहाँ से कॉपी करना है, एडिट एज एचटीएमएल करना है और इसे सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेना है। यहाँ पे जब कॉपी कर लेंगे और उसे बस यहाँ पे आकर के ऐप स्क्रिप्ट के अंदर में न्यू करेंगे एचटीएमएल करके और यहाँ पे टेस्ट करके सेव कर लेना है। यहाँ पे हमें बस इसको हटा करके अपना सेव करना है और सेव करके क्लिक कर देना है। ये आपका जो है टेम्पलेट बन गया। अब इसमें जो है माइनर चेंजमेंट करनी है, अपनी एप्लीकेशन का नाम लिखना है, आपको कहाँ पे ओटीपी प्लेस करनी है, वो सारे जो है यहाँ चेंजमेंट करने हैं। तो बस यही है। और यहाँ इसको स्टार्ट करने के लिए, इस कोड को स्टार्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है, आपको गूगल ड्राइव पे जाना होता है। गूगल ड्राइव पे जाने के बाद यहाँ पे आपको न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, मोर पे क्लिक करना होता है और गूगल ऐप स्क्रिप्ट पे क्लिक करना होता है। गूगल ऐप स्क्रिप्ट से क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो है इसी टाइप की स्क्रीन खुल जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, ये मेरा जो कोड है इस कोड को कॉपी करना है। अगर आप ओटीपी के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इस पर सिंपल ये कोड कॉपी करना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो है ये कोड पेस्ट हो जाएगा। और उसी तरह जैसे मैंने बताया टेम्पलेट, ये टेम्पलेट भी आपको कॉपी करना है और यहाँ पे आपको प्लस बटन पे एचटीएमएल पे क्लिक करके यहाँ पे रिनेम कर देना है और इस स्क्रीन पे आकर के पेस्ट कर देना है। और कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना है अगर आप सेम ओटीपी भेजना चाहते हैं मेरी तरह। तो यहाँ पे मैंने आप जो है प्रमोशनल भी भेज सकते हैं। प्रमोशनल भेजने में कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होगा, सिर्फ आपको यहाँ पे टू पैरामीटर चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए क्या भेजना चाहते हैं सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए मैंने सब्जेक्ट जो दिया है वो कस्टम ओटीपी और ओटीपी दिया है। तो ये मैं एप्लीकेशन से पुश करता हूँ अपनी कि जो है यहाँ पे मुझे ये सब्जेक्ट लाइन चाहिए। तो यहाँ पे आपको उसी तरह से सब्जेक्ट लाइन डिफाइन करना है और उसकी बाद जो है यहाँ पे आपको क्या ओटीपी डालनी है वो लिखना है। अगर आपका ओटीपी का यूज़ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस लाइन को, इस दो लाइन को आप हटा सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेट क्या चाहिए हमें वो डालना है और उसके बाद हम जो है टेस्ट ट्रांजेक्शन टेस्ट ओटीपी भेज सकते हैं। यहाँ पे आपको वो सारी डिटेल्स यहाँ से इस लाइन से चला जाएगा। यहाँ पे नेम में आपको देखने को मिलेगा कि जब मैं मेल भेजता हूँ तो यहाँ पे मुझे अपनी मेल आईडी नहीं आती, नो रिप्लाई आता है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और इसे मैं अगर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा तो मैं यहाँ पे नॉर्मली नो रिप्लाई करके ही आएगा, यहाँ पे मेरी मेल आईडी नहीं आएगी और इस पे कोई भी पर्सन रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो उसी भी दिक्कत नहीं आएगी कि आपके पास मेल में बहुत सारी मेल भर गई है। तो यहाँ रिप्लाई टू में नो रिप्लाई कर देना है। नेम आप यहाँ पे चाहते हैं अपना नाम डालना तो अपना नाम डाल सकते हैं, आप एल्स भी छोड़ सकते हैं, उसी तरह से आप सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो फंक्शन का यूज़ करा है, दो फंक्शंस को सिंपली मैंने डिफाइंड करने के लिए यूज़ करा है कि किस में भेजना है। फॉर्मेट मैंने यहाँ पे यूज़ करा है, फॉर्मेट अमेज़ॉन पेटीएम या फ़ोनपे, किस फॉर्मेट में मैं भेजना चाहता हूँ और उसकी ओटीपी क्या होगी। आप अगर देखेंगे तो अमेज़ॉन के अंदर में जहाँ पे ओटीपी जाता है तो आपको देखने को मिलेगा कि मैंने ओटीपी सेक्शन में इस एम परसेंट आपको यहाँ पे परसेंटेज मार्क और ओटीपी दिया है, जो कि यहाँ पे कॉल होने के बाद इस ओटीपी परसेंट से चेंज होता है, रिप्लेस हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैसेज डॉट रिप्लेस का ऑप्शन है तो वो रिप्लेस हो जाता है और जो डेटा होता है वो यहाँ पे कॉल होकर के सेंड हो जाता है। इसी तरह से आपको जब भी कोई भी टेक्स्ट रिप्लेस करना है या अपने यूज़र का नाम रिप्लेस करना है वो इसी तरह से एम परसेंट पे आप रिप्लेस कर सकेंगे। तो ये आपको कोड जो है डिस्क्रिप्शन में एक एपीके फाइल होगी, उस एपीके फाइल के अंदर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये सेम कोड वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, उस सेम कोड को जो है कॉपी करके इस तरह से पेस्ट कर देना है। सेव करने के बाद डिप्लॉय बटन पे क्लिक करना है और न्यू डिप्लॉयमेंट करना है। यहाँ पे मैं ऑल्दो कर चुका हूँ इस अपनी मेल आईडी के अंदर तो मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ, आपको बस डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय करने के बाद जो है आपको मैं एक बार लास्ट पोजिशन तक लेके जाता हूँ। यहाँ डिप्लॉय करना है, सेलेक्ट टाइप में वेब ऐप लिखना है, यहाँ पे कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे माई सेल्फ को हटा के एनी वन कर देना है और यहाँ डिप्लॉय कर देना है। डिप्लॉय करने के बाद आपको ऑथेंटिकेशन के लिए हम बोला जाएगा कि जो आप अपने ऑथेंटिकेट कीजिए अपनी मेल आईडी ऑथेंटिकेट करने के लिए, वो मेल आईडी आपको ऑथेंटिकेट कर देनी है और आपका ये और कस्टम मेल्स स्टार्ट हो जाएंगे। आप ओटीपी भेजना चाहते हैं ओटीपी भेज सकते हैं, आप जो है यहाँ पे प्रमोशनल मेल भेजना चाहते हैं प्रमोशनल मेल भेज सकते हैं। यहाँ पे ऑथराइज एक्सेस डालना है और उसके बाद आपको अपनी जीमेल से लॉगिन कर लेना है।
तो ये जीमेल से लॉगिन हो जाएगा, जो जीमेल आईडी है उससे लॉगिन करने के बाद वो एक्सेस हो जाएगा कि आपको ये यूज़ करने को मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो थम्स अप देना ना भूलें, अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, AI फाइल्स को रिसीव करने के लिए आप जो है हमारे चैनल को टेकवर्ड्स फॉर यू YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ।